महाशिवरात्रि के दिन पूजा पाठ के अलावा कुछ टोटके या उपाय करने से कई सारे लाभ मिलते हैं। आज इस दिन कुछ खास उपाय किए जाए तो कई समस्याओं का हल भी निकलता है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ उन्हीं उपायों के बारे में जिन्हें अपनाकर आप अपने सोए हुए भाग्य को फिर से जगा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, इस दिन पूजा पाठ करने के अलावा कई टोटके और उपाय करने से अद्भुत लाभ मिलते हैं। अगर इस दिन कुछ खास उपाय किए जाते हैं तो कई समस्याओं का निदान भी निकलता है। इन उपायों को अपनाकर आप अपने सोए हुए भाग्य को जगा सकते हैं। आप अपने रास्ते में आने वाली मुश्किलों को दूर कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप पा सकते हैं। यदि आप आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, धन की समस्या हमेशा ही बनी रहती है या फिर धन टिकता नहीं है, तो इस दिन कुछ आसान से उपाय जरूर अपनाएं जिससे आप अपने इस तरह के संकट को दूर कर सकते हैं। इस दिन भगवान शिव और पार्वती की पूजा करने के अलावा मछलियों को आटे की बनी हुई गोलियां अवश्य खिलाएं। साथ ही आप घर में पारद शिवलिंग की स्थापना भी कर सकते हैं। इस दौरान 108 बेलपत्र इस शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से आपका आर्थिक संकट दूर होता है। इसके साथ ही आपको ध्यान देना है कि आपको स्थापित की हुई शिवलिंग की रोजाना पूजा भी करनी है। शिव और पार्वती का विवाह होने के चलते इस त्यौहार को शादी से खास तौर पर जोड़कर देखा जाता है। जिन लोगों की शादी में दिक्कतें आती हैं उन्हें महाशिवरात्रि के दिन पूजा पाठ करने के अलावा व्रत भी रखना चाहिए और इस दिन भगवान शिव को केसर डाला हुआ दूध अर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से विवाह के योग शीघ्र ही बनने लगते हैं। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो भी आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप जीवन में घर में सुख संपत्ति और शांति चाहते हैं तो पूजा पाठ के अलावा इस दिन आपको कुछ विशेष उपाय करने की आवश्यकता है। इसके लिए घर के मुखिया को 14 मुखी रुद्राक्ष विधि विधान के साथ धारण करना चाहिए। इसके लिए 14 मुखी रुद्राक्ष को गंगा जल की मदद से अभिषेक करके पहनना चाहिए। इसके साथ ही आप इस दिन बैल को हरा चारा भी खिलाएं, इससे भी आपका मन शांत होता है। दोस्तों, ये जो रुद्राक्ष वाली बात मैंने कही है, इसमें आप जरूर ध्यान रखें कि रुद्राक्ष को विधि विधान के साथ धारण करना है, यानी कि उसकी धूप दीप पूजा अर्चना अच्छे तरह से आप करते हैं, भगवान भोलेनाथ के चरणों में उसको आप अर्पण करें और उसके बाद आप उसको धारण करें प्रसाद स्वरूप समझकर, तभी आपको इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलने वाला है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।